19 तारीख मार्च का महीना, रेडियो मॉरिशस ताल एफएम की लहरों पर हम लेकर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम दर्शन, जिसका कि आप बेचैनी से करते हैं इंतज़ार, और आपकी इंतज़ार की घड़ियों को तोड़ते हुए हम आज आपके लिए भारत के उस राज्य के दर्शन आपको करवाने जाएंगे जो अपने आप में अद्भुत, निराला और मॉरिशस से कुछ मिलता जुलता, जो लोग हमें कहते हैं, बाकी जो हमारे मेहमान आए हैं आज के, वही आपको बताएंगे। चले सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दें अपने मेहमानों का। आज हमारे साथ हैं श्रीमती धनु राजवानी जी, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पब्लिक स्किल, स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल्स कोच हैं और ट्रेनर भी हैं। और दूसरी मेहमान हमारी हैं रेशमी राठी जी, जो कि प्राणिक हीलर हैं और दोनों हमारे स्टूडियो में हैं। दोनों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करते हैं, प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते शशि जी। नमस्ते, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और बताते चले, हमें तकनीक पर सहायता दे रही हैं हमारी कोऑर्डिनेटर सुमिता, और साथ में हैं धारण और विमल भी हैं हमारे साथ आज। तो चलें, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ देंगे वे लोग। और बताते चलें, आप लोगों की भी भागीदारी हमारे प्रोग्राम में रहेगी। हम एक सवाल आपसे पूछेंगे, उस सवाल का आप इंतज़ार करते रहिए। बता दें, हमारा आज का प्रोग्राम प्रायोजित है LIC और भारत के उच्चायोग से। और ये भी बता दें, हमारा टेलीफोन नंबर, जब हम आपसे एक सवाल करेंगे तो बेशक हमारे सवाल को आप ध्यान से सुनिएगा, और सवाल को जवाब देने के लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। जिन नंबरों का वो है 4028295 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा देर न लगाते हुए हम खोलते हैं गोवा। गोवा की ओर हम आपको ले चल रहे हैं, और गोवा का पिटारा खोलने के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारा स्टूडियो से नमस्कार, और आप बताएं गोवा की भाषा में हम कैसे नमस्कार करें। स्वीकार डियो बोरो डिस डियम, इसके माना तो आपका दिन गोवा में शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो, बहुत खुश। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने जाना, मैं चाहूंगी थोड़ा सा सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन समझने में थोड़ी देर लगी। तो रश्मि जी, आप एक बार फिर से हमें, हमारे श्रोताओं के लिए फिर से प्रोनाउंस कर दीजिएगा। डियो बोरो डिस डियम। ओ, डियो बोरो डिस डियम, वाव, लंबा नाम है लेकिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। और गोवा की तो बात ही अपने आप में निराली है। तो चलें थोड़ा सा हम जाने उसकी भौगोलिक स्थिति की ओर, ताकि हमारे लोग जान सकें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ गोवा हम जाएंगे, लेकिन गोवा मॉरिशस, जो भी घूम कर आता है कहता है गोवा मॉरिशस जैसा है। चलें आपसे कुछ जानें। गोवा का नाम आते ही दिल को छू लेने वाले समुद्र तट और आसमान को छूते हुए नारियल के पेड़ हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। गोवा भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो पूरी दुनिया में लोग देशों और विदेशों से घूमने के लिए आते हैं। चलें, ये तो मेरे को वही सीन जैसे हम मॉरिशस में, बड़े ही प्यारे प्यारे समुद्र तट और तटों की सफेद रेत, नारियल के जी, पेड़ जी, 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 ये तो हमारी भी विशेषता है। सही। फिर बताएं उसकी आप भौगोलिक दृष्टि की ओर, धनु जी। अच्छा, गोवा की भौगोलिक दृष्टि, गोवा महाराष्ट्र राज्य के उत्तर और कर्नाटक की पूर्वी और दक्षिण भाग में अरेबियन समुद्र के पश्चिम तट पे पाया जाता है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और पॉपुलेशन के अनुसार चौथा नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य। जैसे कई कई बार हमारे जो अन्य हमारे मेहमान आए कि उनका राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य है, और उसी प्रकार भारत का सबसे छोटा राज्य मॉरिशस गोवा है। गोवा है। गोवा के अंतर्गत दो जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। गोवा का टोटल एरिया 3702 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो हमारे श्रोताओं ने जाना कि छोटा होने के नाते उसके दो भाग हैं, एक उत्तर की तरफ है और एक दक्षिण की ओर है। सही आपने कहा है।
पनाजी गोवा की राजधानी है। श्रोताओ ध्यान से सुनिएगा, हमारे आज के मेहमानों की बातचीत में ही आपको जवाब मिलेगा और आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है आपको हमारे प्रोग्राम को ध्यान से सुनने के लिए। और आप रेडियो सेट के करीब आ जाएं ताकि हम जब सवाल पूछें तो आप हमारा सवाल सुनकर जवाब तुरंत देने की कोशिश करें। बता रही थी आप क्षेत्रफल, वहाँ का वास्को डिगामा यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। वास्को डिगामा, अक्सर उनके गीतों में भी हम सुनते हैं वास्को डिगामा करके। गोवा हजारों साल पहले कुनकान काशी के नाम से जाने जाते थे। और कुनकानी उसकी मेन लैंग्वेज है, विशेष लैंग्वेज कुनकानी वहाँ की भाषा है। श्रोताओ अपने आप में बहुत ही मधुर भाषा कोंकणी है। और जो कि गोवा की भाषा है, कई कई बार जब हम वहाँ जाते हैं लोग तो भाषा को कभी कभी, लेकिन बहुभाषी लोग भी वहाँ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी जी, वहाँ पे मराठी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। गोवा की कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये भी बात आसान है कि कोंकणी को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी अगर वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो उसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे श्रोता जो हैं बड़ी सहजता से कोंकणी को सीख भी सकते हैं। बिल्कुल। चले, तो ये तो ही हमारी भौगोलिक दृष्टि से कि गोवा अपने आप में अत्यंत सुंदर, मनोरम और नारियल के पेड़ों से, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, समुद्र तट के सुंदर सुंदर बीचेस जैसे हमारे मॉरिशस में हैं वैसे पाए जाते हैं। तो चले, जैसे उन्होंने बताया कि भाषा भी वहाँ की कोंकणी है जो कि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो चले, ऐसे सुंदर राज्य का कोई अपना इतिहास तो होगा, उस पर हम चर्चा करें तो क्यों ना अच्छा होगा। यश शशि जी, इसकी जो ऐतिहासिक एस्पेक्ट पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है वो बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। अच्छा, अगर हम संघर्ष में, बहुत संघर्ष में ही रही है। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके स्ट्रगल को भी जानना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि कहते ना जब किसी राज्य के समृद्धशाली और उसकी वहाँ की प्रगति विकास के बारे में चर्चा करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है एक दुखों से, एक संघर्षों से, कहते ना जब तक कोई संघर्ष ना हो तो कोई कहानी कोई नहीं, मजा बनती नहीं, है, नहीं बनती। तो ठीक, इसी प्रकार आपने कहा संघर्ष में ही जी। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो गोवा था वो भारत के राज्यों में शामिल नहीं था। भारत के राज्यों में शामिल नहीं था। और ये कैसे भारत का हिस्सा बना, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। चले, हमारे श्रोता भी जाने कि जैसे कि धनु जी ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि भारत के राज्यों का सबसे छोटा राज्य, और अभी पता चला कि वो राज्य था ही नहीं पहले भारत के राज्यों में, जो कि बाद में चलकर बना। तो चले उसकी कहानी भी सुनेंगे। गोवा के जो लोग हैं उनको बहुत लंबे समय तक गुलामी झेलनी पड़ी थी। वास्को डी जी गामा थे जो पुर्तगालीन थे, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्तुगीज। तो वो भारत में 1498 यानी 1498 में वो गोवा में आए। और वहां पे आने के बाद उन्होंने गोवा में आके अपना शासन शुरू किया। 1510 से उन्होंने अपना शासन शुरू किया और 491 ईयर तक उन लोगों का शासन वहां पे रहा, चला जी। फिर 1843 में 1743 में उन लोगों ने राजधानी वेला गोवा को बदलकर पंजिम को अपनी राजधानी बनाया। और अभी इन्होंने राजधानी कही पंजिम। पंजिम, बिल्कुल सही। 18 शताब्दी यानी कि 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी तक उन्होंने गोवा के आधे से ज्यादा राज्यों को अपने वश में कर लिया था। मीन्स सीधे शब्दों में उन्होंने गोवा के आधे से ज्यादा राज्यों को हड़प लिया था। तो ये तो एक लंबी दास्तान है। भारत को तो अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन गोवा को बहुत लंबे समय तक आजादी नहीं मिली। उन लोगों को आजादी नहीं मिली, बहुत संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा। बार बार भारत सरकार ने भी उनको गोवा छोड़ने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं समझती हूँ उसकी सुंदरता, उसके मनोरम बीचेस, जिसके कि हमेशा अंग्रेज लोग कायल रहे हैं और शायद इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल जी। फिर गोवा में 15 जून 1986 को राम मनोहर लोहिया जी आए, गोवा में आए और उन्होंने पुर्तगालियों के प्रतिबंध को रोकने के लिए चुनौतियां दी और आंदोलन, उन्होंने वहां पर एक आंदोलन शुरू कर दिया। 18 जून को
और मैं बताना चाहूंगी, राम मनोहर लोहिया जी पहले ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ यानी उनके उनके विरोध में आंदोलन शुरू किया था। मैंने नाम बड़ा जाना सुन पहचाना सारा, राम मनोहर लोहिया जी। 18 जून को उन्होंने वहां पर भारत का झंडा भी लहरा दिया। और सबसे बड़ी खास बात है कि जहां पे उन्होंने झंडा लहराया आज उस जगह को उनके नाम से जाना जाता है, राम मनोहर लोहिया चौराहा से जाना जाता है। जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया वो आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी वो अभी वहां पर पूरी आंका रूप ले चुकी थी। इसी आंदोलन के दौरान में वहां पर एक क्रांतिकारी का दल भी स्थापना भी हुई और उस जो उन्होंने दल बनाया उसका नाम था आजाद गोमंतक दल, जिसमें विश्वनाथ लावंडे, नयन हरि नायक, प्रभाकर सिंहरी, दत्तात्रेय देश पांडे, इन सभी को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार यही हुआ करता था कि जो भी संघर्ष करता था उनको जेल में डालना, जेल में डाल देना। लेकिन हमारे विश्वनाथ लावंडे और प्रभाकर सिंगरी जी जेल से भाग निकले। लंबे समय तक उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा। नवंबर 1961 में कुछ पुर्तगालियों ने वहां के मछुआरों पर गोलियां चलाई जिसमें कि कुछ मछुआरों की मृत्यु हो गई और उसके बाद तो गोवा की स्थिति दिन पे दिन और खराब होती चली गई, जिसकी वजह से भारत के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने एक आपातकालीन बैठक बिठाई। उस बैठक में उन लोगों ने 30,000 लोगों को जो जिसमें कि हमारी सेना नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स जल थल एंड वायु सेना से 30,000 लोगों को वहां पर भेजा। और लड़ाइयां चलती गई उसके बाद उस बैठक में ही उन्होंने एक विजय ऑपरेशन की स्थापना की, जिसे मैंने आपको बताया कि तीनों दल थल भेजे गए। तो जो ये कार्य शुरू हुआ था उन्होंने उसको विजय ऑपरेशन का नाम दिया। जब लड़ाइयां ये चलती गईं तब पुर्तगाली को लगा कि अब तो मुसीबत बढ़ चुकी है। तब उन्होंने उनके जो जनरल थे वैसाई सिल्वा जी ने भारतीय सेना प्रमुख के सामने अपने आप को सरेंडर किया और आत्मसमर्पण के दस्तावेज पे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो मैं समझती हूँ गोवा के लिए बहुत ही बड़ी बात थी और कि उसे अपनी मुक्ति, गुलामी से जो है वो मुक्ति मिली, अपने संघर्षों से जो है उनको मुक्ति मिली। और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा दिन। और उसके बाद तब से जी मैं बताना चाहूंगी कि तब से लोग 19 दिसंबर 1961 यानी 1961 से गोवा को मुक्ति दिवस मिला और पूरे विश्व भारत में और गोवा के लोग इसे मुक्ति दिवस के नाम से जानते हैं। तो श्रोताओं, आपने जाना कि किस तरह से रश्मि जी ने बताया। धनु जी कुछ कहना चाह रही हैं कि किस तरह से उन्हें मुक्ति दिवस मिला। इसी दिन पे गोवा की सीमाएं भारत की सीमाएं से जुड़ गई। उसी मुक्ति दिवस के बाद से ही जो है भारत की सीमाओं से गोवा जो है वो जुड़ गई। स्वाभाविक है, जबकि वह उस समय के प्रधानमंत्री ने जब इतना संघर्ष वहां के लोगों के लिए किया और जब उसको मुक्ति मिली तो उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है। 30 मई 1987 यानी कि 30 मई 1987 में इस राज्य की स्थापना हुई, ये भारत का हिस्सा बना। यानी 1987 30 मई को जो गोवा था वो हमारे भारत के राज्यों में शामिल हो गया और 26वें संविधान संशोधन में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। भारत का 25वां राज्य बनकर गोवा जो है भारत के साथ शामिल हुआ जी। तो बहुत बहुत बड़ी बात। और मैं समझती हूँ आज इसी तरह बहुत से राज्य जो हैं मिलकर आज
तकरीबन 28 राज्य हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा जैसे दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम अगस्त तक चलाएंगे। और मैं समझती हूँ इतिहास के बारे में कुछ और कहना चाह रही थी आप? मैं ये बोलना चाहूंगी वहाँ का एक मारगांव शहर है। अच्छा, मारगांव। हाँ हाँ। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आज भी पुर्तगालियों की जो निशानी है वो देखने को मिलती है। अच्छा, वहाँ मतलब स्वाभाविक है आज तक वहाँ पर उन्होंने रखी हुई है। तो मैं समझती हूँ स्वाभाविक है, जैसे कि हमारे मॉरिशस में हमारे फ्रेंच कल्चर आए, फिर पुर्तगाली भी आए, फिर डच लोग आए, फिर तो अंग्रेज लोग भी आए। तो जो जिस समय अपना शासन चलाता है तो उनके कुछ ना कुछ पदचिन्ह जो है वो रह ही जाते जी, हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने सही कहा, तो चले बहुत अच्छा, आपने एक संघर्षमय गोवा राज्य का अपना सफर जो है उसको तय किया। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की जब राज्य जब ऐसा स्थापित हो गया तो स्वाभाविक है बहुत से वहाँ का कल्चर जो है वहाँ पर आया होगा, वहाँ की सांस्कृतिक पक्ष आई होगी, वहाँ के पर्व आए होंगे। किस तरह से लोगों ने अपने आप को वहां स्थापित किया उसके बारे में चर्चा करें थोड़ी सी। गोवा का कल्चर भारतीय कल्चर से थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? अब आप ही बताएंगी। उसमें बहुत कुछ पुर्तगाली का असर, इन्फ्लुएंस भी है वहां पे। स्वाभाविक होगा क्योंकि पुर्तगाली वहां पर पहले से थे और उनकी जो कल्चर थी वो कहीं ना कहीं वो छोड़ के गए जो उनमें रची बसी हुई है। सही सही। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, शौक से रहते हैं, हर एक फेस्टिवल साथ मनाते हैं और हर एक रिलीजन का अलग रिस्पेक्ट होता है। मैं समझती हूँ देश वही संपन्न होता है जो दूसरे धर्म की इज्जत करता है, सम्मान करता है। और वही इंसान भाईचारे से रह भी सकता है। यहाँ गोवा के लोग बहुत ही विनयमय है और आदर सत्कार है। यहाँ जिंदगी में उसके सिवा, खुशियाँ के सिवा और कुछ नहीं, मस्ती मौज का नाम गोवा है। मस्ती मौज का नाम गोवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ समुंदर हो और वहाँ की वहाँ पर मौज मस्ती ना हो तो बात ही अधूरी सी लगती है। और उसके साथ साथ उसका खान पान अच्छा अलग सा है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ। अगर कोई सी फूड लवर है हाँ, वो उसके लिए जन्नत है। ओ, तो जैसे मॉरिशस में भी सी फूड अपने सी फूड के लिए काफी जाना जाता है। हाँ। और वहां पर भी आपने पर स्वाभाविक है। हाँ। जैसे आपने कहा समुंदर और थोड़ा पुर्तगाली संस्कृति। हाँ। और वहाँ का खान पान समुद्री खान पान। हाँ। जैसे कि वहाँ का जो सी फूड जो है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ के क्रैब्स, फिश, प्रॉन्स, किंग फिश, ये सब यहाँ की खासियत होती है। और वेजिटेरियन भी है। हाँ। वो वेजिटेरियन मुंबई महाराष्ट्र का मिसल पाव जो होता है। हाँ। वो गोवा में भी आ गया है मगर उसका थोड़ा अलग सा टेस्ट है। बिल्कुल अलग सा थोड़ा सा फ्लेवर है क्योंकि गोवा में वो यूज करते जो स्पाइसेस वगैरह यूज करते हैं ना वो खुद का बना हुआ होता है। जो गोवा में स्पेशलिटी है वही वो यूज करते हैं। अच्छा, तो इस्तेमाल ये करते हुए उनका फ्लेवर कुछ अलग सा हो गया है। हाँ। खान पान में जहाँ आपने बात की, जब बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो नारियल के पेड़ जो हैं उनसे जो ताड़ी निकलती है उसके बारे में क्या कहेंगी? ताड़ी पीने के लिए जो ताड़ी मिलती है, लोग उसे पीने के लिए जाते हैं। मुझे बिल्कुल पता है। वो तो बिल्कुल बेस्ट स्वाद लेने के लिए जो लोग हैं सबसे बढ़िया वहाँ पे उसका नारियल का पानी है। पानी है मीठा। हाँ। और कोकोनट इतना भरा हुआ है कि एक जन नहीं पी सकता है, दो कम से कम पियेंगे। तो बड़े बड़े होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अच्छे टेस्ट में हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। स्वाभाविक है कि नारियल का पानी तो वैसे ही है, वो तो एक और जैसे तो, सीरम होता है बॉडी के लिए। हाँ हाँ। वो ऐसे है, बिल्कुल इतना अच्छा है। ज्यादातर उनके खानों में भी वो लोग नारियल का मिल्क जरूर यूज करते हैं, नारियल का दूध जरूर यूज करते हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है। हाँ। ये उनकी कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क बहुत सी सब्जियों में वो कोकोनट का जो मिल्क है वो यूज करते हैं। हाँ, सब्जियों में उनकी कड़ी जो होती है कोकोनट कड़ीज जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और लोग बहुत चखना चाहते हैं, खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं कोकोनट कड़ी। इसके अलावा वहाँ पे पोक विंडालू बहुत मशहूर होते हैं। वो क्या होता है? पोक, पिग्स मीट। अच्छा, हाँ हाँ।
विंडालू, विंडाई जैसे हम विंडाई बोलते हैं, अच्छा, वो विंडालू कहते हैं। पोक विंडालू, पोक विंडालू बहुत कॉमन है, अच्छा, और लोगों को बहुत पसंद है। क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे बीफ रोस्ट, पोक रोस्ट मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ की स्पेशलिटी है, वो वहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा अच्छा, खाने से के साथ साथ तो ड्रिंक जरूर चाहिए। हाँ, तो वही मैंने ताड़ी का नाम आपको लिया। क्या ताड़ी वो कुछ ऐसा ही ड्रिंक नहीं है? नहीं, उसका स्पेशल ड्रिंक होता है कुकुम एंड फेनी। फेनी, हाँ फेनी, मैं ताड़ी कह रही हूँ, वो फेनी होता है। ओके, फेनी है, हाँ फेनी। उसकी फेनी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ, रिफ्रेशिंग, कूलिंग, स्पेशली समर टाइम के लिए जब मौसम बहुत गर्म हो जाता है, फेनी ले लो, आराम करो, आराम करो, चिल हो जाता है, चिल हो जाता है इंसान, चले, ये भी अच्छा। अच्छा, ये तो आपने खान पान का जायका जो बताकर सबके मुंह में पानी ढला दिया। अच्छा, थोड़ा से वहाँ के फेस्टिवल, जब वो फेस्टिवल मनाते हैं तो किस तरह की पर्व वहाँ मनाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गोवा में भी सारे, जैसे कि धनु जी ने बताया कि वहाँ पे सारे धर्मों को मानने वाली मान्यता है, बहुत आदर सत्कार है, तो वैसे ही जो भी हमारे भारत के त्यौहार है वो वहाँ पे भी मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, तो जितने भी हमारे त्यौहार है चारों धर्मों के वो तो मनाए ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ के बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो उनके अपने खुद के देश के, अपने खुद के राज्य के हैं। तो मैं उनमें से बताना चाहूँगी कि गोवा कार्निवल, गोवा कार्निवल हमने बहुत सुना है, बहुत फेमस है, फेमस फेस्टिवल है। और साओ जो आओ शीगो सनबर्न फेस्टिवल, मेनली दिस फेस्टिवल म्यूजिक लवर, जो संगीत से प्यार करते हैं उनके लिए ये फेस्टिवल बहुत मायने रखता है, बर्न फेस्टिवल। इसके अलावा भी काफी सारे फेस्टिवल वहाँ के हैं, 10-12 फेस्टिवल हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे फेस्टिवल वहाँ के अपनी विशेषता लिए हुए हैं। इसमें आपको ये पता चलता है कि ये लोग त्योहार को मनाने में और इंजॉय करने, यानी कि मनोरंजन करने में बहुत विश्वास रखते हैं, और उन्हें मौज मस्ती इनका जीवन है, मौज मस्ती इनका जीवन है। और मैं समझती हूँ यहाँ की मछुआरे जो हैं दिन भर या रात भर वो अपना, उनका बहुत सा पेशा जो उनका व्यवसाय है, व्यवसाय जो है उनका निर्भर करता है, और उसके बाद जब वो आते हैं तो बहुत सारी खेप मिलने के बाद जो है वो सब मिलकर खूब नाचते हैं, गाते हैं। इसका छोटा सा दृश्य हमें अभी तक याद आ रहा है, बॉबी फिल्म में ये इसका काफी कल्चर, गोवा का काफी कल्चर जो है वो दिखाया गया है। मैं समझती हूँ हमारी सिनेमा जो है, हमारी फिल्में जो हैं, उनके माध्यम से हम विभिन्न राज्यों के बहुत से सांस्कृतिक पक्ष, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, फिर वहाँ के गीत जो हैं उनका मिश्रण जो है हम उस फिल्मों के माध्यम से देख पाते हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि एक छोटा सा गीत जो है हमारी कोऑर्डिनेटर, हमारी सूत्रधार सुमिता से अनुरोध करेंगे कि वे चला दें। बेस्ट Barra da tamam meluzi, estreti com
completi complir. Alegna entrada mi luzi Cristina sair. Alegna entrada mi luzi Cristina sair. Hey! Por amor da faixa mi luzi eu fico soldado. Por amor da faixa mi luzi eu fico soldado. Fazer a sentinela mi luzi levar chicotado. Fazer a sentinela mi luzi levar chicotado. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. मारिया पिताशी। अब अगर आप में से कोई भी कौन कौन नहीं जानता तो उसका नाम उसका जैसे मुझे सुमिता ने बताया कि किस तरह से शादी के समय में एक लड़की लड़का लड़की को प्रपोज करता है और पिताजी आनाकानी करते हैं तो वो उन्हें किसी तरह से पसंद नहीं आता है हाँ। किसी भी लड़के को पसंद नहीं आता है जब ससुर लोग ऑब्जेक्शन हाँ। करते हैं ना हाँ। तो उसी की बात वो जो है इसमें दिखाई देती है तो उसी का थोड़ा सा क्लैश जो है और जो समझने वाले हैं वो समझ गए ना समझे वो कानाड़ी है तो चले हम वहाँ के पर्वों की बात कर रहे थे चले उसको लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अपने खुद के बहुत सारे त्योहार हैं और वो बहुत जिंदगी को जीना जानते हैं इंजॉय करते हैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते वो कल के लिए परसों के लिए ज्यादा नहीं सोचते वहाँ के लोग आज के जीवन को इंजॉय करते हैं भरपूर इंजॉय करते हैं जिंदगी जीते हैं जिंदगी जीते हैं। वहाँ का जो ये फेस्टिवल मैंने बताया गोवा कार्निवल ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है अच्छा। जो कि 26 फरवरी यानी 26 फरवरी को शुरू हो जाता है और ये 1 मार्च को खत्म होता है इतना लंबा चलता है और उसके लिए बहुत तैयारियां होती हैं 4-5 दिन वो फुल एंजॉय करते हैं उसको अच्छा। और वो क्यों होता है जो कि लैंड की बिगिनिंग को मार्क करता है लैंड यानी कि 40 दिनों की फास्टिंग अच्छा। जो वहाँ के गोवांस यानी जो वहाँ के लोग हैं वो फास्टिंग से पहले से अच्छे से खा पी लें और अपने फेस्टिवल की तैयारी के लिए रेडी रहें बिल्कुल तैयार रहें तो इसकी इसके लिए ये जो हमारा गोवा कार्निवल फेस्टिवल है उसकी शुरुआत होती है और ये कार्निवल जो है वो पुर्तगाली लोगों ने 18वीं शताब्दी यानी कि चलाया था सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था अच्छा। तो ये तो हुआ कि वहाँ के पर्व जो हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है और बाकी तो जो आम पर्व भारत के राज्य अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं वहाँ और यहाँ का कार्निवल जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उसकी लंबी तैयारियाँ चलती हैं और काफ़ी मौज मस्ती के संग देश भर में जो है वो काफ़ी इसका जोर शोर से जो है इसका आयोजन होता है। अच्छा इसके बाद हम चर्चा करें क्यों ना हाँ कुछ कहना चाह रही थी हाँ, ये कार्निवल पुर्तगाली ने 18वीं सेंचुरी में शुरू किया था हाँ जिसकी चर्चा इन्होंने की कि हाँ। तब से शुरू हुआ और आज तक उसको चल रहा उन लोगों ने बरकरार रखा हुआ है ये सबसे बड़ी उनकी जो त्योहारों में से एक त्योहार ये कार्निवल जैसे को ब्राजील में एक रियो कार्निवल मनाते हैं हाँ, वहाँ का ब्राजील का भी बहुत हाँ। बड़ा कार्निवल होता है मडियरा कार्निवल भी मनाते हैं मेरे ख्याल में पोर्चुगल में मनाते हैं हाँ तो मैं समझती हूँ उसी का एक रूप है जो वो अपनी निशानी छोड़ गए और गोवा के लोग आज तक उसे मनाते हैं। चले ये तो अच्छा है क्योंकि उसकी कुछ कुछ दृश्य कभी कभी हम फिल्मों में भी देखते हैं और फिल्मों की बात हो तो बहुत सी फिल्में गोवा को लेके हमें कुछ चर्चा करना चाहेंगे आप? जी गोवा में बहुत सारी मूवीज हैं जो रिलीज हुई हैं यानी वहाँ पे बनाई गई हैं और वहाँ के जो सुंदर दृश्य है वो आप सभी देखते होंगे जो दिखाए जाते हैं उसके समुद्र तट तो किसी से छूटे नहीं है तो वहाँ पे जो बहुत फेमस मूवी है जो पुरानी मूवीज है उसमें बताना चाहूंगी कि गो गो गोवा दूसरी मूवी है बॉम्बे टू गोवा यस उसमें तो अमिताभ बच्चन मूवी बॉबी यस तो इस तरह से काफी सारी फिल्में हैं जो वहाँ पर हाँ फिल्माई गई हैं। मैं समझती हूँ भारत से बाहर वो ऐसा मतलब सीमा से जुड़कर एक ऐसा राज्य है जो कि समुद्री तट जैसा है समुद्री तट है तीनों कोने जो हैं उसमें समुद्र ही समुद्र है और वहाँ के समुद्र भी सुनने में और देखने में ऐसा दिखाई देता है कि मॉरिशस के बीचों के समान ही है बहुत सफेद सी रेत सुंदर वाइट सैंड क्योंकि बहुत कम देशों में मैंने देखा है कि वाइट सैंड के बीचेस होते हैं होते जरूर है दूसरे अन्य देशों में भी बीचेस लेकिन वो बीचेस उतने साफ नहीं होते और इसीलिए मॉरिशस भी जो है अपने बीचेस के लिए बाहर देशों में
जो है बहुत ही पॉपुलर है। अच्छा, जब हमने थोड़ा सिनेमा की बात की, थोड़े वहाँ के उसके थोड़े संगीत के बारे में हम चर्चा करें, वहाँ की पर्सनालिटीज़ जो हैं, क्योंकि पर्सनालिटीज़ अगर हम चर्चा करें तो शायद हमारे श्रोता जो हैं वो भूले नहीं होंगे, आप ही बताएंगी कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ वहाँ की हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगी। पर्सनालिटीज और म्यूजिक, अच्छा संगीत और वहाँ का जो महान हस्तियाँ हैं, जो गोइन कैथोलिक्स हैं, हाँ, उनको सोशल गैदरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, जैसे मौज मस्ती का नाम, मौज मस्ती, हाँ, और गाना बजाना, गाना बजाना, गाना बजाना उन कहते उनके रस रस में जो है वही कहते हैं गोइंस आर बोर्न विद म्यूजिक एंड स्पोर्ट, नस नस में उनके संगीत जो है वो बसा हुआ है, संगीत और स्पोर्ट्स बसा हुआ है उन, और उसका मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पियानो, गिटार एंड वायोलिन, वायोलिन कहीं भी देखो, किसी कोने पे देखो, कोई ना कोई अपना गिटार बजा रहा है, जो है बजा रहा है, और बड़ी बड़ी पार्टीज वगैरह में तो जो अक्सर देखा जाता है पियानो के साथ जो है डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, वहाँ के मछुआरों के नृत्य भी बहुत ही स्पेशल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ये जो हसी द स्पेशल पीपल फ्रॉम द पर्सनालिटीज फ्रॉम गोवा म्यूजिक, लता मंगेशकर जी, हाँ, आशा भोसले जी वहीं की है दोनों, ये बड़ी बात आपने कही क्योंकि हमें भी पता नहीं था, बहुत पहले जब कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ तब पता चला कि वो वहाँ की जन्मी हैं, हाँ, वो मंगेशकर परिवार पूरा जो है वहाँ, दीनानाथ मंगेशकर जी, जो उनके पिताजी थे वो दीनानाथ मंगेशकर जी, उनके जो भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, मंगेशकर जी, आशा भोसले, उनकी बहने आशा भोसले, ये संगीतकार जितने भी संगीतकार थे जो इनका पूरा परिवार था वो हमारे गोवा से था, बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम भारत की कोकिला लता मंगेशकर वहाँ से गोवा की और वो आकर जो है बसी महाराष्ट्र में अपने काम की वजह से, लेकिन वहाँ से निकली थी और वहाँ रहकर उन्होंने, उनके पिताजी ने बहुत कार्य किए संगीत के क्षेत्र में, और वो दूरदर्शन में भी एक समय था जब जुड़े हुए थे, कह सकते हैं कि पूरे भारत को गोवा ने एक ऐसी कोकिला दी, ऐसी कोकिला जो विश्व भर में अपने गायन के मेमोरेबल, यस, जो ना होकर भी वो हमारे साथ हैं, उनके गीत उनके संगीत दिल को आज भी छूते हैं और छूते रहेंगे, और मैं समझती हूँ उनकी कमी जो है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन वो जाकर भी कभी गई नहीं, वो जा नहीं सकती। मैं समझती हूँ एक आवाज एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जिसके साथ इंसान हमेशा जुड़ा रह सकता है, और ये उन्होंने विश्व भर में भारत के एक दिया। बिल्कुल अपनी आवाज से जो है वो सिद्ध किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस तरह से अगर हम चर्चा करते रहें तो बहुत चर्चा करेंगे। चले एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए हम जो है छोड़े देते हैं, हमारे श्रोता जो हैं वो रेडियो सेट के करीब होंगे, और एक सवाल हम उनसे पूछते हैं कि भारत का राज्य गोवा कब भारत की सीमा से जुड़ा, कब वो भारत का राज्य बना, उस वर्ष का नाम आप हमें बताएं, और भारत का राज्य वो किस साल में बना, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर वही है 4028295 पर आप हमें संपर्क कर सकती हैं, 8095। चले एक बार हमारे टेलीफोन नंबर फिर से सुन लें, 4028095 पर आप हमें संपर्क करें, यानी कि 4028095 पर आप हमें संपर्क करें, और अभी के लिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के हमारे जो सवाल हमने पूछा है उसके पर आप हमें जवाब दे सकते हैं। आप कुछ देर में 3:45 से आप हमें संपर्क आप 3:00 से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जैसे कि आप जानते ही हैं 3:15 तक चलेगा, और अभी के लिए धनु जी कुछ वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की कुछ परंपराओं के बारे में कहना चाहती हैं। गोवा के सबसे अहम ट्रेडिशनल डांस जो होती है, हाँ, वहाँ के नृत्य अपने आप में नाटक, एक, हाँ, नाटक, नाटक, इसका नाम ही नाटक है, हाँ, नाटक, थिएटर
एंड जागोर। जागोर क्यों करते हैं? एक फोक डांस है जागोर। अच्छा। और ये फोक डांस ये गोवन लोग समझते हैं कि पूरी रात जागना है, देवियों को मनाना है कि साल भर वो अपने खेती बाड़ी का संभाल करे, उसको प्रोटेक्शन दे। इसीलिए ये जागोर डांस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है गोवा के लिए। और मैं समझती हूँ वहाँ की फिशिंग भी बहुत ज्यादा, फिश वो तो एक इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, लेकिन वहाँ की खेती बाड़ी जो है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये इसके इंडस्ट्रीज है। अच्छा, मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ये जो आपने बताया कि उसके लिए ये जागोर जो है वो नृत्य जो है रात रात भर जाग कर जो है किया जाता है। इशारा हो रहा है कि हमारे एक श्रोता लाइन पर है जो जवाब देना चाहते हैं, उनको आप सुनिएगा, हम उनसे देखते हैं कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं? सुरेखा। कहाँ से बोल रही हैं सुरेखा? मेनिल से। हाँ सुरेखा, बताएं, आपका रेडियो सेट आपके बहुत करीब है, आप प्लीज अपना रेडियो सेट अपने से थोड़ा सा दूर कर ले। हाँ, ऑफ कर दे तो ज्यादा अच्छा है। ऑफ ही है तो पता नहीं, एक आवाज जैसी आपके। खैर बताएं, कौन से वर्ष में? 1987 में। ठीक है, हमने आपका जवाब नोट किया। आप हमारा इंतजार करें, हम प्रोग्राम के अंत में विजेता को जरूर घोषित करेंगे। एक और श्रोता है, उन्हें भी लेते हैं। हेलो। हेलो शशि जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं प्रभा हूँ, बेलरोज से। हाँ प्रभा, आपका भी स्वागत है। प्रभा, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम? ओ माय गॉड, ये तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, ये प्रोग्राम तो बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। जो देश आपने बताया मैं गई हूँ वहाँ लगभग। तो बताएं, जब मैंने बार बार कहा कि मॉरिशस जैसा है तो आप मुझे बताएं क्या वाकई वो मॉरिशस जैसा है? नहीं। क्या क्या? गोवा आप गई हैं ना घूमने? या दो तीन बार गई हूँ। दो तीन बार? एकदम मॉरिशस जैसे वो। देखा, मैं बस यही पूछ रही थी आपसे। ओ माय गॉड, और वहाँ का लाइफस्टाइल? वो लाइफस्टाइल एकदम लाभ, कैसे बताऊँ, बहुत बहुत मौज मस्ती वाला है। हाँ, और नाइट लाइफ क्या बोलूँ, वैसे जैसे लगते हैं हर साल जैसे इल्यूमिनेशन होते हैं ना रात को, वैसे वहाँ है। जैसे कि धनु जी ने बताया कि क्रिसमस, वहाँ का न्यू ईयर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ। चले, आप क्या जवाब देंगी प्रभा जी? 1987। अच्छा, डेट किसी ने नहीं बताई? 19 नवंबर में भी। 19 नवंबर। अच्छा, 19 नवंबर 1997 आपने कहा? 87 आपने कहा। चलिए, हमने आपका नाम भी नोट किया और प्रभा हम सही जवाब जो है वो आपको देंगे कि कौन आज का विनर होगा। ठीक है, चले अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अपने एक और श्रोता है लाइन पर। हेलो, लाइन कट गई। खैर कोई बात नहीं, हम एक बार सवाल फिर से अपने श्रोताओं के लिए जोड़ दें कि भारत का राज्य गोवा जो है किस वर्ष में जो है ये 25वां राज्य घोषित किया गया। आप हमें उस तिथि और वर्ष का नाम बताएं। आपके जवाब का हम इंतजार करें। एक श्रोता इशारा हो रहा है, सुमिता जी बता रही हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते शशि बहन। नमस्कार भाई जी, आप कौन बोल रहे हैं? पहला तो आपको बधाई देता हूँ, आपने देखो धन्यवाद आपको, धन्यवाद। हाँ, भाई विजय बंधन बोल रहा हूँ, क्लावित से। अच्छा जी विजय जी, आपका स्वागत है, बताएं। तो प्रोग्राम जनवा बहुत जरूरी बात है, हमेशा सुनते रहिए सर। अच्छा, धन्यवाद तोले के। अच्छा, हाँ। जब हमने के लगेला कि जब हम भारत से बाहर हैं तब भारत के राज्य लोग के काहे नहीं अपन श्रोता लोग के बताए जा, ताकि वो बहुत जानकारी हासिल करिए। अच्छा बोला, बहुत चीज मेरा सुने के बिहार बहुत जरूरी प्रोग्राम बताओगे, नहीं जान मिला सर, फिल्म में देखती साहब लौका तब ज्यादा देखती। चले, ये तो बहुत निमन बात बोले हवा, हमने के जवाब देवा, कौन जवाब तोरा संगे बा? अच्छा, 1887। और तिथि जाना था? ओ? डेट कौन सी तिथि में?
नहीं डेटवा नहीं याद है, इतने इतने अच्छा डेट याद नहीं, कोई बात नहीं। चला भाई जी, हम तोरा बुताब जा प्रोग्राम के आखिर में कि कौन के आज के प्रोग्राम के विजेता हवा। धन्यवाद तोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, जिस तरह से हमारे लोगों ने जवाब दिया, सिर्फ उसमें डेट की कमी है। हम अपने श्रोताओं को कहेंगे कि डेट की कमी है और हम प्रोग्राम के आखिर में सही जवाब पाकर सही विनर को घोषित करेंगे। हमने पूछा भारत का 25वां राज्य गोवा किस दिन और किस साल में जो है, किस तिथि में और किस साल में जो है वो भारत का राज्य बना था। लोगों ने जवाब दिया 1987, लेकिन हमें अभी तक तिथि जो है वो नहीं मिल पाई है। चले सही तिथि का हम इंतजार करेंगे, तब तक आप बता रही थी वहाँ के त्योहारों के बारे में। ये जागोर जो है ना, ट्रेडिशनल डांस, फोक डांस, वो हिंदू कुंजी और कैथोलिक गोंडा कम्युनिटी मनाते हैं। अच्छा, हिंदू कुंजी और गोंडा कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन गोंडा कम्युनिटी लोग मिलकर मनाते हैं। हाँ, मिलकर मनाते और हैं। इनका ये विश्वास है कि रात भर जाग कर माता का जागरण जैसे होता है। हाँ, करे प्रेयर्स करे, प्रार्थना करे रात भर जाग कर, तो पूरा साल जो बीतेगा माता उनकी रक्षा करेगी। इशारा हो रहा है, एक और श्रोता लाइन पर हैं, शायद हमें सही जवाब मिल जाए तिथि के साथ। हेलो, नमस्कार आप सबों को। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नवीन। नवीन जी ना, चले नवीन जी आपका भी स्वागत है। कहें नवीन जी। बहुत धन्यवाद। चले मैं कहूँगा 30 मई 1987 यानी कि 30 मई 1987। चले हमने आपका जवाब जो है वो भी नोट कर लिया है और हम देखते हैं प्रोग्राम के आखिर। शुभ दिवस आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले हम त्योहारों की बात कर रहे थे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि त्योहारों के साथ वहाँ के, जैसे आपने बताया कि नृत्य जो है वो बहुत ही लोकप्रिय और अपने विभिन्न विभिन्न जो जातियाँ हैं वो किस तरह से इन त्योहारों को बड़ी मौज मस्ती के साथ और रात भर जागरण करके जो है प्रार्थनाएं जो उसमें चलती हैं, एक किस्म से ये कहने कि वहाँ का साल भर का जो खेती बाड़ी है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनकी रक्षा दिला सके उनको, उसके लिए वो करते हैं। हाँ। और वो नृत्य के साथ उसे अभिव्यक्त करते हैं। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे संगीत की बात हमने कहा कि संगीत की तो सबसे बड़ी देन वहाँ का मंगेशकर परिवार जो खुद वहाँ से है, और हमारे साथ हमारी सहायिका जो है किरण जानकी, जो हर बार मॉरिशस से गोवा का क्या कनेक्शन है उसके बारे में चर्चा करती हैं। चलें उन्हें कुछ सुन लेते हैं। दर्शन प्रस्तुति डॉक्टर शशि दुकन। नमस्कार। पर्यटकों के मनपसंद गंतव्य मॉरिशस और गोवा दोनों का एक समृद्ध इतिहास है और इन दोनों जगहों पर पोर्चुगीज डच प्रभाव पड़ा था, और मॉरिशस तो चारों ओर से सुंदर और स्वच्छ समुद्र तटों से घिरा हुआ है, वैसे ही गोवा भी अपने समुद्र तटों और होटलों के लिए मशहूर है। बल्कि अक्सर भारतीयों को दुविधा होती है कि अगर वे बीच रिजोर्ट जाना चाहें तो वे गोवा जाएं या मॉरिशस आएं। मॉरिशस की तरह गोवा की भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध है, विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है दोनों जगहों पर। खान पान के हिसाब से भी मॉरिशस बाकी ट्रॉपिकल देशों से भिन्न है, अलग है, और यहाँ हर खान पान में कोकोनट का नहीं बल्कि पार्सले, थाइम और कोरिएंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक ऐसी ही तरह गोवा क्विजीन भी एक छोटा राज्य होते हुए अलग अलग स्वाद और मेजन वाली जगह है, जहां उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के खान पान और स्वाद में अंतर पाया जाता है। जिस तरह से मॉरिशस में बहुसंस्कृति, मल्टीपल एथनिक ग्रुप का सामंजस्य है, वैसे ही गोवा में भी कुछ ऐसा ही सामंजस्य देखने को मिलता है विभिन्न संस्कृतियों के बीच। मॉरिशस की ही भांति गोवा में भी मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद सब कुछ पाए जाते हैं। पोर्टुगीज ने 450 वर्ष पहले गोवा को कॉलोनाइज किया था और यह राज्य बाकी अन्य भारतीय राज्यों से एकदम भिन्न है। गोवा को पूर्व का रोम कहते हैं,
यहाँ की इलाकाई भाषा कोंकणी और मराठी हैं, जो एक आधिकारिक भाषा की तरह जानी जाती हैं। गोवा मॉरिशस की ही तरह अपनी मछलियों और सी फूड की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, और क्योंकि वहाँ भी बहुत से कैथोलिक्स हैं तो मॉरिशस की ही तरह वहाँ क्रिसमस बड़े धूम से मनाया जाता है और बाकी अन्य हिंदू त्योहारों के साथ साथ। गोवा भी ट्रॉपिकल मौसम वाला एक राज्य है, जहाँ तापमान गर्म और नम रहता है और यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। और अब बात करें गोवा के विश्व विरासत स्थलों की। कॉन्वेंट्स और कैथेड्रल गोवा के प्राचीन समय से हैं, विश्व विख्यात है, ऐतिहासिक है, और सी कैथेड्रल एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह सबसे बड़ा चर्च ही नहीं बल्कि एशिया में पोर्टुगीज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा इमारत है। यह 1534 में बना था। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी एक महत्वपूर्ण चर्च है, 1542 में बना। इसे पुर्तगालियों के सातवें अजूबे में से एक माना जाता है और यहाँ बहुत बड़ा एक पुस्तकालय पाया जाता है। वनस्पतियों, फ्लोरा और फोना, प्राकृतिक दृश्यों और समुद्र तटों से भरा हुआ है गोवा। स्पाइसेस के व्यापार के लिए गोवा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह थी, इसीलिए वास्को डागामा को मॉरिशस जितना प्यारा था उतना ही प्यारा गोवा भी था व्यापार के लिए। दरअसल पोर्चुगीज ने हिंद महासागर के सभी देशों और टापुओं पर शासन करना चाहा, मारागास्कर, सेशल्स और कोमोरो आइलैंड में भी। जिस तरह मॉरिशस में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था क्रिश्चियन में परिवर्तित होने के लिए, वैसे ही गोवा में भी हुआ। इसीलिए वहाँ बहुत से कैथेड्रल्स और चर्च हैं मॉरिशस की तरह। 1543 का लोरेजा दे नुसा सेनोरा दे रासानो गोवा के सबसे पुराने चर्च में से है, और यहाँ पर एक किला जैसा है ऊपर एक डोम या चैपल के बजाय, और यह बहुत ही विशेष है। लेकिन इसके अलावा गोवा में कई खूबसूरत चैपल्स भी पाए जाते हैं। गोवा का राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल है, जिसका कंठ सिंदूरी रंग का है, और चूंकि ट्रॉपिकल देशों की तरह गोवा नारियल के पेड़ों से भरा हुआ है तो उसका राष्ट्रीय वृक्ष कोकोनट ट्री है, और लाल जैस्मिन इसका राष्ट्रीय फूल है। गोवा का राष्ट्रीय सिंबल गुलेची का फूल है, जो मॉरिशस की भी शान है। दिलचस्प बात है कि अक्सर बॉलीवुड पिक्चरों में मॉरिशस को गोवा बताया जाता है। दर्शन प्रस्तुति डॉक्टर शशि दुकन। 3:03 हो रहे हैं और हम अपने प्रोग्राम दर्शन के अंतिम चरण तक जो होता है उसमें आप पहुंचे हैं, और हमारे कई श्रोताओं ने प्रोग्राम में भाग लिया लेकिन तिथि किसी ने सही नहीं बताई। लेकिन हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारी पहली श्रोता मेनिल से थी, जो सुरेखा थी, उनको हम देते हैं। सबने साल बिल्कुल सही बताया, 1987 में जो था गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया, और तिथि थी नवीन लक्ष्मण जी ने भी कहा लेकिन वो 30 मई उन्होंने कहा, जबकि हमारे आए हुए मेहमानों से हमें ज्ञात होता है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम में बताया भी कि 29 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया, और ये सही जवाब है। इसके लिए सुरेखा जी को हम कहेंगे कि वो हमें फिर से संपर्क करें। सुमिता जी उनका फ़ोन लेने के लिए तैयार हैं। और एक खुशखबरी की बात हम और भी बता दें कि हमारा प्रोग्राम जो है ये प्रायोजित होता है LIC और भारत के उच्चायोग की तरफ से, और अब हमारे श्रोता जो कि हमारे पहले प्रोग्राम से अब तक विजेता घोषित किए गए हैं विभिन्न राज्यों के लिए, वे अपना इनाम लेने के लिए MBC आ सकते हैं अपने ID कार्ड के साथ। सुबह 9 बजे से 3 बजे के दौरान वे अपने ID कार्ड से, क्योंकि वे जानते हैं कि वो किस राज्य से घोषित किए गए हैं विनर्स के तहत, तो वे अपना ID कार्ड लेकर MBC के रिसेप्शन पर आ सकते हैं, उनका इनाम उन्हें प्राप्त हो सकता है जो हमें LIC की और भारत के उच्चायोग से प्राप्त हुआ है। तो चलें आज की हमारी विजेता हैं उनके लिए बहुत बहुत सुरेखा जी को बधाई, और वे सुमिता को अपना संपर्क नंबर दे दें ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। धनु जी कह रही थी त्योहारों की बात, त्योहारों की बात
को लेकर अगर हम गोवा की चर्चा करते हैं तो वहाँ के त्यौहार, वहाँ की मौज, वहाँ की मस्ती जो है अपने आप में एक अद्वितीय माहौल सा जो है वो क्रिएट कर देता है। हाँ बिल्कुल, और उसके जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस होते हैं, दिखनी एक नाम है, फुगडी है दूसरा, मांडो, डलपोड और फाडो, ये सब ट्रेडिशनल डांसेस है वहाँ पे जो देखने में तो बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ, और जैसे उनका ड्रेसेस आल्सो भी बहुत अलग से होते हैं, जो कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं डांस के लिए वो बहुत अलग होते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर अपने आप में, रंग बिरंगे जैसे होते हैं उसमें, कलरफुल, बहुत कलरफुल होते हैं। और मैं जानती हूँ कि वहाँ जितने भी पर्यटक लोग जो है वो जब जाते हैं तो वो इन ड्रेसेस को पहनकर नृत्य करने में बहुत आनंद उठाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा जी। और क्योंकि ये मुंबई के पास है तो वहाँ के लोग नववारी साड़ी भी पहनते हैं, क्योंकि मछुआरे हैं, मछुआरे हैं, उनकी पत्नियां जो हैं वो नववारी साड़ी का भी सेवन करती हैं। वहाँ पर पहना जाता है उसको, बड़ी शौक से पहना जाता है। और वहाँ के मछुआरे डांस नृत्य भी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। तो श्रोता, गोवा का नाइट लाइफ जो है, हाँ जैसे अभी एक बहन ने कहा तीन तीन बार गई हैं, वहाँ की नाइट लाइफ अपने आप में बहुत ही, पूरी दुनिया में जो 10 मेन नाइट लाइफ सेंटर्स है उनमें से एक गोवा है, सिक्स्थ है, नंबर पर गोवा आता है। हाँ, सिक्स्थ नंबर पर गोवा आता है। लाइफ नाइट को जो है एंजॉय करना चाहता है वो गोवा की तरफ जरूर रुख कर सकता है, मैं समझती हूँ। अच्छा, बीचेस पे वो शैक्स बनाते हैं, अच्छा, जहाँ पे लोग नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो और पूरी रात चलता रहता है उनका गाना बजाना, नाचना, खाना पीना पूरी रात चलता है। आपने गोवा का बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य जो है जहाँ की आंखों के सामने लाकर खड़ी कर दी। और एक बात बोलने वाली थी मैं कि गोवा इज वेरी डेवलप्ड, बहुत आगे बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, अपने आप में विकसित राज्य है। सेकेंड स्टेट 100% टेलीफोन सिस्टम ऑटोमेटिक है उसकी, अपनी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में। और उसका क्लाइमेट तो ट्रॉपिकल जैसे हमारा है, बट उसका समर, मॉनसून, विंटर ऐसे होता है। नहीं मॉरिशस जैसे जब साल चाहो भर बरसात होती है, साल जब चाहो धूप देखो, जब चाहो बारिश आ गई। तो वहाँ तीन सीजन्स मतलब जो है अपने आप में मौसम है, गर्मी, सर्दी और मानसून, मॉनसून। उसका माइनिंग जो होता है वहाँ पे, इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। वहाँ पे माइनिंग होती है आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, क्ले, लाइमस्टोन एंड सिलिका, इसका माइनिंग होता है वहाँ पे। इट्स अ वेरी, मतलब बड़ी बड़ी खाने हैं और जिससे कि ये सब खनिज पदार्थ वहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं। बहुत रिच है इन सब चीजों के लिए। हाँ हाँ हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट, और सेकेंड लार्जेस्ट तो अपने आप में बड़ा, अपने आप में विकसित राज्य तो होगा ही कि अपने खनिज पदार्थ वहाँ के अपने इतने बड़े हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे राइस पाते, चावल, चावल का एग्रीकल्चरल क्रॉप, अरिका, कैशू नट्स एंड कोकोनट्स। हाँ, कोकोनट्स तो आपने शुरू से ही बताया कि नारियल से घिरा हुआ बिल्कुल। खेल कूद में कुछ कहना चाह रही थी ये, खेल कूद में इट्स स्पोर्ट्स फुटबॉल, हाँ उनका मेन मेन फुटबॉल है। उसका स्टेडियम भी एक है फटोर्डा, हाँ फटोर्डा स्टेडियम है जहाँ पर बड़े बड़े फुटबॉल मैचेस और सब आयोजित किए जाते हैं। हाँ, और ये फुटबॉल स्टेडियम है मार्गो शहर में, मारगाओ शहर में। उसकी लिटरेसी बहुत हाई है, 91% पे, वुमेन एंड मेन। और वहाँ का कॉलेज जो यूनिवर्सिटी, नॉट यूनिवर्सिटी, द स्कूल कॉलेज दैट वाज ओपन, कामल कॉलेज फॉर वुमेन टू क्लोज द जेंडर गैप। लड़कियों और मतलब वहाँ का जेंडर गैप जो है वो एक समान All रूप से सबको जो है अधिकार प्राप्त है। समान रूप से लड़के लड़कियों को बराबर का समान जो है वो अधिकार दिया जाता है। और वहाँ की जो, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम जो है अपने आप में बहुत हाई है और वहाँ लिटरेसी बहुत कम है और सबसे हाई रेट जो है वहाँ का जो है लोग जो है पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटियां हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ एक समान उनको बच्चों को, लड़के लड़कियों को जो अधिकार प्राप्त हैं जी। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई और गोवा इंडिया के सबसे
रिच स्टेट है। हाँ, वो जैसे आपने बताया इतने खनिज पदार्थ वहाँ पर पाए जाते हैं, और फिर हाईएस्ट जीडीपी एक पर कैपिटा वहाँ पे है। हाँ, तो इसका मतलब, और जहाँ जिस देश में मैं समझती हूँ पर्यटन अपने आप में अद्भुत होगा, तो वहाँ का राज्य बहुत अपने आप में विकसित, और उसकी जो उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी लोकप्रियता जो है वो सब अपने आप में असीम होगी। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं? स्पोर्ट्स के बारे में तो इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, वही मैं बोलना चाहूंगी कि फुटबॉल वहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये गोवा है वो क्यों फेमस है, किन चीजों के लिए फेमस है, किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम गोवा का नाम लेते हैं तो वहाँ के समुद्र तट, और इन्होंने बताया नाइट लाइफ यानी कि वहाँ की रात का जो समय होता है, और जो वहाँ के चर्चेज हैं वो वहाँ की स्पेशलिटी मीन्स वहाँ की विशेषताएं हैं। अगर हम जाते हैं और वहाँ की नाइट लाइफ नहीं देखते हैं तो हमने कुछ भी नहीं देखा। और वहाँ के जो बीचेज हैं, जो वहाँ के समुद्र तट है, वो सफेद सैंड के हैं, बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरे हैं। और गोवा हमारा चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि वो लोग वहाँ जैसे बताया कि रात को पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पूरी रात वो वहाँ की लाइफ को इंजॉय करते हैं। और गोवा में बहुत सारे बीचेज हैं, लेकिन वहाँ पे जो मेन बीचेज हैं वो है कोलवा बीच, कालांगुट बीच एंड अंजुना बीच एंड पेलोलेम बीच। इन सब के बावजूद लोग वहाँ पर जो है कोलवा बीच पर सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा और वहाँ का सबसे सुंदर बीच है। मैं समझती हूँ कि आपने इतने बीचों की बात बताई, मेरे को लगता है कि मॉरिशस में तो लोग बीचों से आदी हैं, और देश विदेश से जैसे आपने बताया लोग वहाँ पर आते हैं। समय तो हमारा इशारा कर रहा है कि हम प्रोग्राम के अंत तक आ चुके हैं, और हम कुछ आखिर में कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बताना चाहूँगी आपको बहुत ही जल्दी, मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगी कि जैसे वहाँ की रात्रि की लाइफ है वैसे ही दिन में वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं। जब एक्टिविटी की बात आती है तो वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे वाटर स्कूटर, जेट स्की की स्कीइंग, पैरासीलिंग, बोट राइड लाइक बनाना ट्यूब, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और वहाँ पे क्रूज भी हैं। वहाँ का मेन चार्ज हम बोलते हैं, अंत में हम बोलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जहाँ जिंदगी है खुशहाल, जहाँ जिंदगी है खुशहाल, फेनी और माची से है मालामाल, यहाँ के लोग जीते हैं जिंदगी कमाल, रंगों में डूबकर सब फिकर धुएं में डाल। जहाँ समुंदर के पास बैठ सकते पूरा साल, ये है गोवा का कमाल। इसे गोवा कहते हैं मेरे यार, इसे गोवा कहते हैं मेरे यार। वाव, मैं समझती हूँ अपने आप में गोवा पर आपने बहुत कुछ बोला, और मैं तो देख रही हूँ जितनी तैयारी करके आए हैं, अगर गोवा के बारे में हम बोलते जाएं तो बस नहीं होगा। लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का, धनु राजवानी और रश्मि राठे जी का, और अपने श्रोताओं का जिन्होंने प्रोग्राम में भाग लिया, अपनी सहायिका सुमिता जी का और दारेन जी का जो तकनीक पर बैठ के हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं, किरण जानकी जी का, और हमारे दो प्रायोजित जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका, LIC और भारत की उच्चायोग। और श्रोताओं, अगले सप्ताह एक और प्रोग्राम लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। दर्शन, तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। नमस्ते शशि जी, नमस्ते धनु जी। नमस्ते। एक गीत के साथ, समय तो बहुत कम है लेकिन गीत को आप एंजॉय कीजिएगा। चांदी ना चाहूं हीरा मोती, ये मैं
मेरे किस काम के। दिल दे बदले में